नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। भागलपुर ताप की भूमि, तपोभूमि, ज्ञान विज्ञान की भूमि, अध्यात्म की भूमि, गंगा किनारा बसा हुआ है। ये शहर पूर्व के इतिहास में भारत को विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाने का रास्ता तैयार करता था और वर्तमान में फिर से बाबा बटेश्वर नाथ की कृपा से, फौजदारी बाबा वास्तुकी नाथ की कृपा से ये शहर विश्व में इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। इस बार कहलगांव से जो हजारों लोग का जत्था कांवड़ उठाकर वासुकी नाथ जा रहा है, इनकी एक कामना है, ये भी है कि भोलेनाथ को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। ये बात कह रहे हैं, हमने जितना खोया था उतना संताप हमें अब नहीं रहेगा क्योंकि हमारा ताप फिर से जागृत हो चुका है। बेहतरीन दृश्य, सामाजिक एकता और धार्मिक वातावरण के सांसद अजय मंडल, विधायक पवन यादव, पूर्व विधायक अमन पासवान, अध्यक्ष चेयरमैन और संजीव कुमार और कहलगांव पर क्षेत्र की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां सड़कों पर शिव भक्तों के साथ जो सहयोग कर रही थी, मुखिया, वार्ड सदस्य और संगठन के अध्यक्ष उत्साह में एक संग नृत्य कर रहे थे। ये अशांति और उन्माद फैलाने वाली दुनिया देखें और भागलपुर के सामाजिक समीकरण को सलाम करें। उत्तर वाहिनी गंगा विश्व के कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए जानी जाती है। महाभारत और रामायण दोनों काल में कर्म के स्थल के रूप में जीवंत है। दुनिया के देव महादेव के जीवंत रूप इस शहर के कणकण में देखा जा सकता है। सूफी संत, ज्ञानी विद्वान, महात्मा, अध्यात्म गुरु, ऋषि मुनि, जैन मुनि और बौद्ध की धरती के रूप में इस क्षेत्र को इतिहासकारों ने माना है। अब जब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आई है तो जल्द ही दुनिया इस क्षेत्र पर शोध करने के लिए भी आने वाली है। नमस्कार। हर हर महादेव, हर घर महादेव। हम केलांचल टाइम्स की एक बेहतरीन खबर के लिए आज बटेश्वर, कहलगांव, गंगा किनारे पहुंचे। हमने यहां देखा कि ताप की भूमि, तप की भूमि और ज्ञान की भूमि, इसको जो क्षेत्र में विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने तोहफे दिए हैं, जनता में उत्साह है और हर शिव भक्त जा रहा है बाबा के पास उन्हें थैंक यू कहने, उन्हें धन्यवाद देने कि जिस तरह से आपने इस भूमि के लिए करोड़ों रुपयों का विकास राशि भेजा है और हमारे विकास के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराई है, हम इसके साथ हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। बात है कि यहाँ के लिए लोग कहते हैं चार आदमी जरूरी है, वो चार में एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक सांसद और एक डीएम। ये चारों जब एक हो गए हैं तो ये सारे जितने भी भक्त हैं ये आज उन चारों को धन्यवाद कर रहे हैं, भागलपुर के कलेक्टर को, भागलपुर के सांसद को और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को। अब है कि चार ही आदमी होते हैं किसी व्यवस्था को बनाने में और किसी व्यवस्था को बिगाड़ने में, तो बिगाड़ने में कहीं ये ताप की भूमि से किन्हीं को संताप ना हो जाए, इसलिए ये योगी के रूप में जनता के लोग, जनता अपना जो है यज्ञ कर रही है और भगवान से कहा चाह रही है कि कोई भी संताप नहीं करे, सब ताप करे और हमारा विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, हर घर में समृद्धि हो, बिहार का विकास हो, भारत का विकास हो। और जो भूमि हमारे यहाँ बटेश्वर के पास विक्रमशिला की है उससे फिर विश्व के ज्ञान की, विश्व के विकास की, विश्व के इतिहास की गंगा निकले और हम तब भूमि के साथ आगे बढ़ते रहें। संजीव कुमार शर्मा, उप संपादक केलांचल टाइम्स, धन्यवाद सभी लोगों का और सभी पाठकों का, हमारे चैनल के दर्शकों का और इन तमाम हजारों हजार लोगों का जो पैदल यात्रा 108 किलोमीटर की सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस बार हमें ताप की भूमि को भगवान भोले का जो वरदान मिला है वो हमें जो है अगले साल जब आए तो सारा धरातल पे दिखे और हमारी भी जय होगी, देश की भी जय होगी और हे प्रभु, हे महादेव, हे धरती के मालिक, आपकी भी जय होगी। आप हमारे इस क्षेत्र के विकास में लगातार ऐसे ही अपना
योगदान और अपना आशीर्वाद बनाए रहे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।